चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट भी की थी पार्ट 5 की, बट मैं शूट नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे। मैं उसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगी, जैसे कि मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज का लिंक लास्ट वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड इस वाले पोर्शन के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट हो कभी भी तो कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला हुआ है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए। आई विल रियली बी हैप्पी टू हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, अब हम चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। सो अवर पार्ट 5 इज थ्योरीज ऑफ फैशन मूवमेंट। हमने पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जैसे कि फैशन फोरकास्टिंग, फैशन साइकिल एंड पेंडुलम स्विंग। अब हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे फैशन मूवमेंट की। ओके, एज डिस्कस्ड अर्लियर, चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फैशन आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेंड्स। ऑब्वियसली ट्रेंड्स पे डिपेंडेंट होता है कि कितना टाइम तक वो चलेगा, कहाँ तक वो जाएगा, क्या वो फैड बन जाएगा, क्या वो क्लासिक बन जाएगा। ऑफन देर आर क्वेश्चंस ऑन वेयर एंड हाउ ट्रेंड्स ओरिजिनेट, हु आर द इनोवेटर्स एंड हु आर द फॉलोअर्स, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज, इसका आंसर इन तीन थ्योरीज से निकलता है। द आंसर कम फ्रॉम द थ्री थ्योरीज दैट एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द मूवमेंट ऑफ फैशन, नेमली ट्रिकल डाउन थ्योरी, trickle up theory and trickle across theory. So let's discuss them one by one. और हम इसको बहुत ही easily और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। The first one is trickle down theory, because ये market में सबसे ज़्यादा use होती है, सबसे ज़्यादा यही चलती है trickle down theory. तो सबसे पहले हम इसी को discuss करेंगे। Fashion history shows the royalty and nobility by virtue of their birth. कि मतलब उनके पास ये अवसर होता है, उनके पास पहले से ही ये डेस्टिनी होती है कि उनके पास वेल्थ भी है, उनके पास स्टेटस भी है, तो वो सोसाइटी की हायर या अपर क्लास में होते हैं। ये एक सोशल पिरामिड होता है, अपने लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे होंगे तो एक सोशल पिरामिड होता है जिसमें सबसे ऊपर अपर क्लास होती है, देन मिडिल क्लास होती है, एंड देन लोअर क्लास सिचुएटेड होती है। तो एक सोशल पिरामिड होता है। This social class led a luxurious life because wealth होती है, status भी होता है। तो ये वाली जो social class होती है, upper class की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली जो social class होती है ये luxurious life जीती है। इनके पास entertainment, travel, art collections, large houses, expensive furnishing और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि clothes, accessories बहुत ज़्यादा exclusive होते हैं और बहुत ज़्यादा amount में भी होते हैं। The exclusivity also showed from the fact that the clothes, hairstyles were so elaborate and complex. पहले के टाइम पे तो जो राजा महाराजा या रानियां हुआ करती थी उनके पास भी इतने कपड़े, इतने टाइप के हेयर स्टाइल्स और इतना सब कुछ होता था कि उनको खुद से वो पहन ही नहीं पाते थे वो लोग खुद से, उनको किसी की जरूरत पड़ती थी। That the help of attendants and maids was required to get dressed. Therefore, high fashion was restricted to those in the highest level. आप आज भी अगर देखोगे तो जितने भी कुतूर गारमेंट्स हैं वो सब सेलिब्रिटीज वगैरह ही अफोर्ड कर पाते हैं, कॉमनर्स तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। The commoners could admire them but did not have the money or sometimes even the freedom to wear such clothes. Means middle class लोगों के पास या commoners के पास अगर पैसे भी है ना तो उतना freedom नहीं होता इतने ऐसे कपड़े पहनने के लिए, because वो बहुत ही exclusive होते हैं और उनके designs और उनके cuts इस तरह के होते हैं कि society उसको पहनने ही नहीं देती है। Okay, so इस वजह से क्या होता है, जो कुतूर अपर क्लास अडॉप्ट करती है, मिडिल क्लास उसको एडमायर करती है बट उसको अफोर्ड तो कर नहीं सकती। तो मिडिल क्लास क्या करती है, मिडिल क्लास उसकी सस्ती कॉपी डिमांड करती है। तो इस वजह से क्या होता है, फैशन अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ चलता है, अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ चलता है। तो क्या हुआ, ये ट्रिकल डाउन, ये ऊपर से क्या आया, नीचे की तरफ। Gradually, fashion trickled down from the upper strata or the upper level to the lower classes, imitated means copied through cheaper versions of the design and fabric by the latter.
उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, फैब्रिक चेंजेस होते हैं, कलर चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बट उसकी सस्ती कॉपी होती है वो. ओके, हाई फैशन इज क्रिएटेड बाय फैशन एंड एक्सेसरी डिजाइनर्स. ऑब्वियसली कुतुरियर्स बनाते हैं हाई फैशन. हु केटर टू क्लाइंट्स हु ऑक्यूपाई पावर पोजिशन इन बिजनेस एंड मीडिया ऑल्सो possesses the taste and aesthetics for designer clothing and products. Haute couture जो होता है वो बड़े बड़े designers बनाते हैं जो कि सिर्फ ऐसे clients के लिए बनाते हैं जिनकी media में कुछ visibility हो. Celebrities होते हैं, जो भी जितने भी लोग होते हैं, famous personalities होती हैं, उनके लिए create करते हैं couturiers, जिनकी कुछ position होती है. और एक बात और कि उनका टेस्ट और उनका एस्थेटिक डिजाइनर क्लोथिंग और प्रोडक्ट से मैच करता है. बिकॉज कभी कभी हम लोग तो मजाक भी उड़ा देते हैं, अरे अरे ये क्या पहन लिया, हैंगर लटक रहा है ड्रेस के पीछे. बट ये डिजाइन, ये एस्थेटिक्स, ये आर्ट कोई कॉमनर नहीं समझ सकता. ड्यू टू इट्स एस्पिरेशनल वैल्यू. एस्पिरेशनल वैल्यू हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि एस्पिरेशनल वैल्यू होता है कि पीपल एस्पायर टू बी फैशनेबल. सो इस एस्पिरेशनल वैल्यू की वजह से ही, क्योंकि पीपल तो एस्पायर कर रहे हैं ना उस फैशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इस एस्पिरेशनल वैल्यू की वजह से ही फैशन क्या कर जाता है, ट्रिकल डाउन कर जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, स्प्रेडिंग टू द लोअर लेवल. डिजाइनर कुतूर क्रिएशंस एक्सेसरीज एंड बैग्स आर डिजायरेबल स्टेटस मार्कर्स but are unaffordable by the most society. The aspirational value of these labels and brand result in trickle down of the design until other have original product or a variation of the design at affordable prices. ये चीज तब तक चलती रहती है जब तक कि original product किसी को ना मिल जाए. means उसका price कम 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 होता चला जाता है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि फिर original product भी मिल जाता है. but ये तब तक भी चलता रहता है जब तक कि डिजाइन वेरिएशंस उसमें बंद नहीं हो जाती एक हद तक. कुतूर क्रिएशंस ऑफ सब्यसाची मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा की, इतने कुतूर क्रिएशंस आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएंगे. गुची, लुई विटॉन, शनेल बैग्स आर डिजायरेबल स्टेटस मार्कर्स. ये सब मार्केट में इनकी सेकेंड कॉपी, थर्ड कॉपी मिलती है. ओके, सो ये थ्री ट्रिकल डाउन थ्योरी. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अपर क्लास उसको सबसे पहले अडॉप्ट करती है बिकॉज वो एक्सक्लूसिव और बहुत एक्सपेंसिव डिजाइंस होते हैं. लेकिन फिर मिडिल क्लास उसको एडमायर करती है और डिमांड करती है चीपर वर्जन की. तो जब चीपर वर्जन बनते हैं तो वो फैशन अपर क्लास से मिडिल क्लास की तरफ मूव करता है. एंड देन जब उसके प्राइसेस और लो हो जाते हैं तब वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ मूव करता है. Okay, so the next is trickle up theory, also known as bubble up theory. इसको bubble up theory भी बोलते हैं. इसमें भी same आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन classes है, upper, middle and lower. ये भी एक social pyramid है. This theory states that the trend inspirations do not necessarily start from the elite class. अब जरूरी नहीं है कि कोई भी inspiration हमेशा upper class ही लेके आएगी, ऐसा तो नहीं होता है. कभी कभी कुछ इंस्पिरेशंस लोअर क्लास भी लेके आती है. कभी कभी कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ स्टाइल्स, कुछ ऐसी चेंजेस लोअर क्लास भी ले आती है जो कि अपर क्लास सोच भी नहीं सकती. इन द कॉन्स्टेंट सर्च फॉर नोवेल्टी, बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर होता है कि उसको हमेशा ही चेंजेस चाहिए होते हैं और सबका अपना अपना पर्सनल स्टाइल भी होता है. सर्टेन स्टाइल्स ग्रेजुअली ट्रिकल अप और बबल अप एट द सोशल लेवल. मीन्स यहाँ से बबल अप हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. अनकन्वेंशनल यानी कि अनयूजुअल स्टाइल्स जो किसी ने ना कभी सोचे हो ना देखे हो, एक्सपेरिमेंटेशनल स्टाइल्स होते हैं ये. ज्यादातर इसको यूथ ही बनाता है. किस लिए बनाता है? अटेंशन पाने के लिए. विच ओरिजिनेट्स एज स्ट्रीट फैशन. स्ट्रीट फैशन अपर क्लास से नहीं आया है, स्ट्रीट फैशन लोअर क्लास से आया है. एंड इनोवेटिव स्ट्रीट स्टाइल में भी पिक्ड अप identified by the trend spotter, because वो लोग ट्रेंड को चेस करते हैं कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब चीज़ों को देखते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो elite class people को देख रहे हैं, नहीं, वो market के हर segment को study करते हैं, हर category को study करते हैं. So क्या होता है कि जो forecasters होते हैं या innovators होते हैं वो इसको identify कर लेते हैं. उसके बाद ये
लेबल हो जाता है, मींस आइडेंटिफाई हो जाता है, और उसके बाद इसको एक कैची नेम दिया जाता है, एंड द होल प्रोसेस कम्स बैंडवेगन इफेक्ट एंड द फ्लो. दस स्ट्रीट फैशन ट्रेवल्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ नहीं आया है, लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ गया है. तो क्या होता है, ये स्ट्रीट से रनवे कलेक्शन पे जाता है, स्ट्रीट टू रनवे, नीचे से ऊपर. फॉर एग्जाम्पल रग ब्लू जीन्स, म्यूटिलेटेड जीन्स, और जितने भी आप देखते हो ये सेफ्टी पिन लगा लिया कहीं भी, जितने भी ज्वेल्स, कुछ भी चेन कहीं पे भी जीन्स में अटैच कर ली. सो दीज आर अनकन्वेंशनल एक्सपेरिमेंटेशनल डिजाइन, और मोस्टली डन बाय द लोअर क्लास यूथ. In India, designers and brands occasionally use images from the street or surrounding environment. जो उनका surrounding environment होता है, जैसे लोग रहते हैं, जैसे लोग चीजें पहनना पसंद करते हैं, उनकी images से या उसके data से interpret करते हैं अपने designs, create करते हैं अपने designs. मनीष अरोड़ा एक designer हैं जो इस चीज के लिए बहुत famous हैं. जिन्होंने ट्रेडिशनल डांसेस और बिल्डिंग्स और पता नहीं कितनी चीज़ें अपने गार्मेंट के सरफेस टेक्निक पे यूज़ किए हैं, जैसा कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं. ये मनीष अरोड़ा का डिज़ाइन है. कलर्स का कितना अच्छा यूज़ किया हुआ है, एंड दिस इज समथिंग कि आप सेफ्टी पिन को इस तरह से यू कैन यूज़ एज स्ट्रीट फैशन, जो कि लोअर क्लास से उठ के अपर क्लास की तरफ जाता है. आई होप दीज टू थ्योरीज आर क्लियर. फर्स्ट वन है, सबसे पहले एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए अपर क्लास अडॉप्ट करती है, मिडिल क्लास उसका चीपर वर्जन अडॉप्ट करती है, एंड देन जब सब प्राइस सबसे ज़्यादा लो हो जाता है तब वो लोअर क्लास के पास जाता है. ट्रिकल अप में नेसेसरली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी तो सब में होती है ना. अब ऐसा तो नहीं कि क्रिएटिविटी भी सिर्फ एलीट क्लास के लिए ही है, नहीं, क्रिएटिविटी तो सबके अंदर होती है. तो क्या लोअर क्लास के जो यूथ होते हैं उनके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस वो बनाते क्यों हैं, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है कि उनको भी कोई पूछे, उनके स्टाइल को कोई प्रेज करे. तो लोअर क्लास से वो स्टाइल उठ के अपर क्लास की तरफ जाता है. अब ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी क्या होती है, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी में कोई सोशल पिरामिड नहीं होता, ये सभी सोशल क्लासेस के लिए या मेनली मिडिल क्लास के लिए, मिडिल और लोअर क्लास के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, एलीट क्लास के लिए कम यूज़ होती है. द ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी इज ऑल्सो रेफर टू एज मास मार्केट थ्योरी. ठीक है, ये सभी सोशल क्लासेस की यहाँ पे एक साथ बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बांट के बात हो रही है, नहीं, एक साथ बात हो रही है. इट स्टेट्स दैट इंस्टेड ऑफ अ वर्टिकल मूवमेंट, इसमें वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता कि डाउनवर्ड ट्रिकल कर रही है या अपवर्ड ट्रिकल कर रही है. फैशन इंफॉर्मेशन ट्रिकल्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस ऑल सोशल लेवल्स एंड इज अडॉप्टेड बाई डिफरेंट सोशल क्लासेज एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे वो चीज़ चल रही होती है, वही फैशन एलीट क्लास में चल रहा होगा, वही फैशन मिडिल क्लास में चल रहा होगा, वही चीज़ लोअर क्लास में चल रही होगी. बस फर्क इतना होगा कि वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे और वेरिएशंस के साथ चल रहा होगा. इन ट्रिकल अक्रॉस मोड द इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स, जो इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स होते हैं, एक्सपोर्ट हाउस के डिज़ाइनर्स होते हैं, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, मीडिया के साथ टाई अप करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बनाते हैं एंड उसको पब्लिसिटी प्रमोट करते हैं और पब्लिकली उसको फिर सेल करते हैं. द स्पीड विच द ट्रेंड ट्रिकल अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स डिपेंड ऑन, इनके इसके तीन फैक्टर्स होते हैं, टर्नओवर रेट की, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मर्चेंडाइज विद न्यू स्टाइल्स, मीन्स कितनी जल्दी वो मर्चेंडाइज बिक रहा है या कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है, कितनी जल्दी वो मर्चेंडाइज रिप्लेस हो रहा है या कितना टाइम ले रहा है वो रिप्लेस होने में, मीन्स लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर वो जल्दी होता है तो इसका मतलब लोगों को पसंद आ रहा है. मास और वॉल्यूम प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कितना है. स्पीड ऑफ फैशन अवेयरनेस एंड पॉपुलराइजेशन क्रिएटेड बाय मास मीडिया विद अ हाई स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. हमने फैक्टर्स में भी पढ़ा था, फैशन ट्रेंड स्प्रेड थ्रू नॉक ऑफ बाई विच स्टोर्स कैन ऑफर वेरिएशन ऑफ द सेम स्टाइल, बिकॉज सब लोग तो सेम चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें वेरिएशन आती है, प्राइस पॉइंट्स में वेरिएशन आती है, स्टाइल्स में वेरिएशन आती हैं, गार्मेंट्स के कट्स में, सिलोएट में, कलर्स में, सब चीज़ों में वेरिएशन आती हैं. दिस इम्प्लाइज दैट consumers across all level have option of choosing from the wide spectrum of product categories.
ठीक है, सेम डिजाइन के या उसी डिजाइन के वेरिएशन के बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल होते हैं. नॉक ऑफ ऑपरेट इन टू वेज, अ क्लोज कॉपी पास्ड ऑफ एज एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट, अ क्लोज कॉपी विच डज नॉट बियर द ओरिजिनल लेबल. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, यू कैन चेक आउट, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो.